बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 9 अप्रैल को मैं पिछले 24 घंटों की कोरोना सिचुएशन जो सूबा असेंबली की है वो आपको बताने के लिए आया हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि टोटल 10,981 टेस्ट हुए थे और उसमें से 1,036 केसेस पॉजिटिव थे। पिछले 24 घंटों में 642 और टेस्ट किए हैं और इस टेस्टों में 92 यानी 92 अफराद पॉजिटिव आए। जब से ये वबा फैली है और आज सुबह तक 11,623 टेस्ट किए जा चुके हैं सूबे सिंध में और 1,188 लोग पॉजिटिव आए हैं। 1,188 में से 349 यानी 31% सेहतियाब होके घरों को जा चुके हैं। कल तक ये नंबर जो था वो 280 था, तो कल और आज यानी 24 घंटों के दौरान 69 अफराद सेहतयाब हुए। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान से आए हुए जो ज़ायरीन थे उनकी टोटल तादाद 1380 थी। उन 1380 को हमने पहले दिन ही टेस्ट किया था जिस दिन वो आए थे, दो बैचेस या चार बैचेस में एक्चुअली आए थे। 1380 में से 1108 नेगेटिव हुए, लेकिन उन 1108 को हमने पहले दिन नहीं छोड़ा था, हमने सबको 14 दिन रखा और इस वक्त 14 दिन मुकम्मल होने के बाद वो पूरे 1108 घरों को जा चुके हैं। 280 जो पॉजिटिव आए थे उन 280 में से 242 लोग नेगेटिव, ट्वाइस नेगेटिव आके क्योर होके घरों को जा चुके हैं और इस वक्त हमारे पास लेबर कॉलोनी सक्कर में सिर्फ 38 पॉजिटिव केसेस हैं। हमारे पास 21 टोटल डेथ्स हो चुकी हैं कोरोना की, ये 1.8% बनता है जो टोटल इन्फेक्टेड लोग हैं उनके। पिछले 24 घंटों में एक डेथ और हुई है। इसके अलावा जो बाकी पेशेंट्स हमारे पास हैं उनमें 436 घरों में अपने आइसोलेशन सेंटर्स पे हैं। जो गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स हैं उसमें 59 हैं और जो हमने अस्पताल डेडिकेट किए हुए हैं कोरोना के लिए उसमें 263 हैं पूरे सिंध में। हम आगे एक सिचुएशन में जा रहे हैं, पूरे मुल्क में तकरीबन 4,500 केसेस हो चुके हैं। हमें पता है कि इस लॉकडाउन से काफ़ी लोगों को तकालीफ हुई है, ख़ास तौर पे हमारे जो दिहाड़ीदार लोग हैं, हमारे जो मज़दूर हैं। हम जब भी खोलने की तरफ जाएं, हम एक नए SOPs देंगे, एक रहने का नया तरीका गवर्नमेंट ने देना है और ये सब पे लाजिम होगा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करें। मैं ख़ास तौर पे वो लोग जो इस वक्त राशन लेने या जो हुकूमत की तरफ से स्कीम आई है पैसे लेने जा रहे हैं, उन सब से कहूँगा कि आप राशन लें, पैसे भी लें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वो राशन और पैसे लेने के वक्त अपने साथ ये वायरस अपने घरों में ले जाएं। आज मुझे एक केस मिला है जहां कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक घर में 7 लोगों को इकट्ठा वायरस हुआ है और एक शख्स बाहर गया था उसकी वजह से, जिसमें एक साल का बच्चा और एक 6 साल की छोटी बच्ची भी है। हमें ज़्यादा तकलीफ़ और ज़्यादा परेशानी इसमें हो रही है कि हमारे पसमानदा इलाकों और कच्ची आबादियों में नए केसेस आ रहे हैं। यही लोग आगे मजदूरी के लिए जाएंगे और इनसे उन फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में अगर कोरोना वायरस फैला तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। मैं सबसे कहूँगा कि जो भी, जब भी ये लॉकडाउन खुले, और आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेंगे लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब भी ये खुले तो हर इंडस्ट्री, हर दुकान, हर इदारा अपने हिफाजती तदाबीर करे। जो लोगों को समाजी दूरी करनी है, एक दूसरे से हाथ ना मिलाना या प्रॉपर सैनिटाइजर्स और हाथ धोने की सहूलत देना और लोगों को एक दूसरे से दूर रखना, और जैसे ही कोई शख्स अगर पता चलता है कि उसको कोई सिम्टम्स हैं या थोड़ी भी तकालीफ हो उसको इमीडिएटली बाकियों से अलग करके और रिपोर्ट करना और उसका टेस्ट कराना, ये सब पे लाजिम होगा। हमें सबको, इस पूरे मुल्क में लोगों को मिलके इस वबा का मुकाबला करना है और इस वबा के मुकाबले के लिए जो और कुर्बानी देनी पड़े
वो दी जाए। एक खबर आज अखबार में एक में आई थी और उसकी थोड़ी देर में हम क्लेरिफिकेशन देंगे कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, और एक ज़िले का बताया गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खबर गलत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।